नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। आप मुझे जल्दी एक हिंदी मूवी में, जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप मुझे उसमें आप मुझे देखेंगे आप लोगों के सामने एक और नए किरदार के साथ। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका होस्ट फैजान आजमान है, आकांक्षा जी के पास, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। ओके मैम, अभी कैसा फील हो रहा है? अभी शादी हुई रिसेंटली आप लोगों की, काफी कुछ अभी चेंजेस होने वाले लाइफ में, तो उसको लेके कितने एक्साइटेड हो? मुझे लगता है मैं ज्यादा फ्री हो गई हूँ शादी के बाद। नाउ आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। लाइक अभी सारी जिम्मेदारियाँ हस्बैंड उठाते हैं, और हस्बैंड बहुत टैम्पर करते हैं, बहुत संभालते हैं मुझे, और कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो पहले हस्बैंड की तरफ ऐसे ट्रांसफर हो जाती हैं। तो लाइक अभी मैं ज़्यादा फ्री हूँ, ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ, और फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो लाइक अब मेरी कोई गलती भी होती है ना, तो सबसे पहले विवेक जी की तरह मुझे, तो मैं कह सकती हूँ शादी करने के बाद जो फ्रीडम, लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद लाइफ थोड़ी जिम्मेदारियों से भरी हो जाती है और बहुत सारी सी चीज़ें हो जाती है, तो मेरे केस में थोड़ा उल्टा है, क्योंकि मेरी फैमिली वाले बहुत फ्री माइंडेड हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, तो उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी हुई है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि शादी करने के बाद ही मैं मुंबई में रह रही हूँ, आराम से काम पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, आप लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। विवेक, आप बताइए कितना एक्साइटेड है, आकांक्षा तक कैसे पहुँचे, मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे, बता रही है। एक्चुअली आकांक्षा से मैं मिला था, मलेशिया में मिला था मैं इनसे पहली बार, बट उस टाइम हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे बर्थडे के फंक्शन पे मैंने इनको इन्वाइट किया था, तब से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई, और विद इन अ वीक हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम साथ में काम करेंगे, और मूवी इंडस्ट्री से ही, क्योंकि ये इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो इनको काम करना था, और मैं एज ए बिजनेसमैन मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था इंडिया में भी। तो इस दौरान हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, धीरे धीरे वो बिजनेस दोस्ती में बदला, दोस्ती से प्यार हुआ, और आज हम क्योंकि आकांक्षा अभी जो इंडस्ट्री की बात करें, काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब उनके लिए कहाँ अभी दिखने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं बहुत जल्दी, मेरी अपकमिंग मूवीज़ है, दो भोजपुरी मूवीज़ हैं जो जल्दी आपके सिनेमा घरों में आ जाएंगे, आप उसमें तो मुझे देखेंगे, साथ में आप मुझे ओन अपने प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, और अभी मैं एक हिंदी मूवी के साथ वापस कम बैक करूँगी अपनी हिंदी इंडस्ट्री में। ओके विवेक, जैसे खूबसूरत बीवियों को संभालना आसान नहीं होता, उसके लिए ऑल द बेस्ट आपकी। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.